हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टैन थीटा। फिर उसके बाद पढ़ते सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। ये था हमारा लास्ट क्लास, जो इसको मैंने सोचा कि इसको रिकॉल करा दूँ। आज का टॉपिक हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखता है। इस पूरे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसा आपको ट्रिक दूंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा जो कि इजी वे में आप इस चैप्टर को हैंडल कर पाओगे। तो आइए हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में कुछ फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं एक्स वाई दो एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। यहां पे मान लेते हैं कि आर एक मैग्नीट्यूड है। आर क्या है? एक मैग्नीट्यूड है। तो हम लोगों ने एक बात हमेशा याद रखा है, इस मैग्नीट्यूड का दो कंपोनेंट होगा, एक x वाला कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। जब x वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो हमारा होगा r cos थीटा। कब? जब ये एंगल थीटा बना रहा हो, तो जब ये r कोई मैग्नीट्यूड है, इस x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हमारा x कंपोनेंट r cos होगा एंड y कंपोनेंट हमारा हो जाएगा r sin थीटा। हमारा यहां पे r जो है मैग्नीट्यूड है, तो इस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल, इसमें जब हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एंड ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली एक हमारा फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी वन इक्वल जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। यानी ओवरऑल कहने का हमारा सेंस यह है कि हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है और ये पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अब इसी में से हम कॉस स्क्वायर को अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इस प्रकार हम लोग फाइंड करेंगे। कॉस स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा ये जो फॉर्मूला आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर हम लिखना चाहें वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन से हमारे पास दो और फॉर्मूला डिराइव हुआ जो इस प्रकार है, वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब हमको अगर कॉस फाइंड करना हो तो कॉस इक्वल लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली साइन इक्वल लिख सकते हैं रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर। यहां पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का हमारे पास अभी तीन फॉर्मूला नजर आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर एंड वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर। दूसरी बात हम लोग चलते हैं सेकेंड फॉर्मूला की ओर। मेन बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है यह है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन। तो आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन है। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल है, हम मान लेते हैं यहां पे डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बोथ साइड वी गेट। जब हम दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यह अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, याद रखिए एक फॉर्मूला है साइन बाय कॉस टैन होता है, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हमारा क्या हो सकता है, टैन स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, टैन स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट, तो क्या आया वन इक्वल। अब वन बाई कॉस जो होता है हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी वन बाई कॉस क्या होगा, सेक होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, देख सकते हैं वन बाई कॉस स्क्वायर है, तो वन बाई कॉस लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉसेक
टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो यहां पर हमारा क्या है वन बाई कॉस स्क्वायर है, मतलब वन बाई कॉस, तो क्या लिख सकते हैं वन बाई कॉस को सेक, लेकिन यहां पे वन बाई कॉस स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। यानी एक हमारा फॉर्मूला फिर आया, ये बेसिक फॉर्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर, या टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल सेक स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर। यहां पर हमारा बेसिक फॉर्मूला आया था हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन, उसी तरीके से हमारा यहां पर आया वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर। इससे भी फिर हम दो फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, क्या करते हैं जब देखेंगे, इसको अरेंज कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देंगे, हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन स्क्वायर माइनस वन, टेन स्क्वायर माइनस वन इक्वल क्या, सॉरी टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरीके से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल क्या वन, फिर मैं आपको बता दू वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और यहां पर हम लोग देख रहे हैं सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन। क्लियर, मेन हमारा बेसिक फॉर्मूला आप याद रखोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन, इसी फॉर्मूला से हम लोग सेक भी टेन, सेक टेन का भी एक रिलेशन लिया और टेन कॉट में भी एक रिलेशन लाएंगे, कॉट में भी एक रिलेशन लाएंगे, वो क्या है देखते हैं हम लोग। तो क्लियर है, हम लोग इसको इरेज करते हैं, सबको इरेज कर देते हैं, चलिए ठीक। मेन बेसिक हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन, एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग का आया वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल वन। क्लियर है, अब चलते हैं हमारा जो मेन बेसिक फॉर्मूला है, आपको अभी मैंने कहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। कुछ देर पहले हम लोगों ने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था तो मेरे को आया था टेन और सेक में एक रिलेशन, लेकिन जब हम यहाँ पे साइन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलता है उसको देखते हैं। हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडिंग बाई साइन थीटा, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा बोथ साइड वी गेट। जब हम यहां पे साइन सॉरी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे कॉस से डिवाइड किए थे, यहां पे साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, जब हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, फिर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इक्वल वन बाय साइन स्क्वायर। क्लियर है, यहां पे हमने क्या डिवाइड किया है साइन स्क्वायर डिवाइड किया है। अब जब हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हैं तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और तो क्या आएगा हमारा वन प्लस कॉस बाई साइन, याद करिए अभी हम लोग उस देर पहले पढ़े हैं साइन बाई कॉस टेन, और यहाँ कॉस बाई साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा वन प्लस कॉट स्क्वायर। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे, कुछ देर पहले यह भी मैंने कहा है कि कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक का सेक होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक होता है, तो यहां पर हम लोगों ने देख क्या रहे हैं कि वन बाई साइन है तो वन बाई साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा क्या है साइन स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा एक फॉर्मूला आया वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था वन प्लस टैन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर था, यहां पर हमारा क्या आ रहा है वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब इसी से दो फॉर्मूला और हम लोग ऑप्टेन करेंगे, चल देख सकते हैं हम यहां पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अगर लिखते हैं तो क्या आएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा देख सकते हैं वन आएगा राइट ना, तो आइए लिखते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन, देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन। फिर उसके बाद अगर हम लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट टैन ये कॉसेक और कॉट से भी हमको तीन रिलेशन आया, देख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा है, हमारा फिर आया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल वन, एंड कॉसेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर,
फिर से मैं एक बात बता दूं आपको, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट आता है। यहां पर अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, यहां पर अगर हम ये स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहां रूट आ जाएगा। पढ़े थे ना, वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस इक्वल क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यही अगर हम लिखे ऐसा वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर, तो कॉस क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर। अगर मान लेते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर होता है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीन बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन इस तीन बेसिक फॉर्मूला से हम लोगों ने हर एक बेसिक फॉर्मूला से दो दो फॉर्मूला ऑब्टेन किया है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है? अब यहाँ पर आपका कॉट और कॉस में रिलेशन है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइन कॉस वाला और टेन सेक। क्लियर है? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई वो भी आईडीटी का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ और फॉर्मूले हैं जो उसको हम लोग देख लेते हैं, तो इसको रेज करते हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं ये बेसिक फॉर्मूला हमारा तो हो गया। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या आएगा और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा है, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस चैप्टर में काम आएगा, टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद रखेंगे टैन इक्वल साइन बाई कॉस। अगर हम कॉट थीटा लिखें तो कॉट इक्वल क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। ठीक है, फिर बताएंगे आप हमको कॉस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, वन बाई सेक थीटा। अभी बोले हैं कुछ देर पहले कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर उसी तरीके से साइन थीटा इक्वल वन बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन थीटा। ये हमारा मतलब रेसिप्रोकल है, टैन इक्वल साइन बाई कॉस, कॉट इक्वल कॉस बाई साइन, कॉस इक्वल वन बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल वन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल वन बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल वन बाई साइन थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आईडी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए। लेकिन इसमें कुछ अलजेब्रा से भी फॉर्मूले आते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। यहां पे हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, टेन वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये लिखना लिख दूंगी या छोड़ दू, लिख ही देता हूं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं यहां पे, तो हमारा कुछ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर हम यहीं पर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, तो हमारा क्या आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला होता है वो भी मैं लिख देता हूं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरीके से हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का भी होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला है, लेकिन देखना क्या है क्वेश्चन में कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उस पर हम देख के बनाएंगे। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस पूरे आइडेंटिटी में बस इतना ही फॉर्मूला है और इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूला पे सारा आपका आइडेंटिटी चैप्टर जो होगा बन जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। जब भी आइडेंटिटी का कुछ क्वेश्चन होगा,
आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर फॉर्मूला कुछ याद नहीं हो तो वहां पे सिंपल सी बात हमेशा याद रखेंगे कि उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे। सिंपल फॉर्म करने का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस। अगर कॉसेक होगा तो 1/sin लिखेंगे, अगर सेक होगा तो 1/cos लिखेंगे, अगर टैन होगा तो sin/cos लिखेंगे, और cos cot थीटा होगा तो cos/sin लिखेंगे। मतलब कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर आप सिंपल फॉर्म में लोगे। सिंपल फॉर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस के टर्म में। अगर साइन और कॉस के टर्म में आ जाता है उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, जो आता है वो प्रोसेस आएगा, वो अप्लाई करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। ये आइडेंटिटी बनाने का बहुत सारा वे है। लेकिन एक और बात बता दे, इस आइडेंटिटी में आप सिर्फ और सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाओगे। लेकिन मैंने बहुत सारा देखा है, बुक में भी देखे हैं, और बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं बताते हैं एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको आरएचएस नहीं सॉल्व करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एलएचएस सॉल्व करूंगा और आरएचएस को ऑप्टेन करूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आईडीटी चैप्टर का। फिर इस पर हम लोग कल इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे एनसीईआरटी का। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।